कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन कर रहेगा। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? कश्मीर खुद नहीं आना चाहता इधर, वो कहते हैं पाकिस्तान से अच्छा मैं हिंदुस्तान है। और आप बोल रहे हो ना कि आप कश्मीरियों के लिए हम हैं, आपने क्या बोला, आपको तो खुद को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मैं खुद को क्यों बचाऊंगी, आई एम प्राउड कश्मीरी इंडियन। जब एक कश्मीरी आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को भारतीय बोल रहा है, तो जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? तुम लाख कह दो कि मकबूजा कश्मीर तुम्हारी मुट्ठी में है, लेकिन हकीकत क्या है कि तुम्हारा ये नापाक हाथ खाली है और खाली ही रहेगा। आप लोग खुद आप अपना मुल्क देखिए, आपके खुद के मुल्क के अंदर आग लगी हुई और आप पीछे पड़े हुए कश्मीर के, और वो भी जो आपकी साइड के नहीं है, वो जो एक्चुअली डेवलप हो रहा है जहाँ पे अच्छी चीजें हो रही है उसके पीछे आप भाग रहे हैं। आपका खुद मुल्क देखो क्या हाल हुआ है जी। ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है फेक वीडियो है। अरे नहीं भाई, फेक नहीं, ओरिजिनल वीडियो है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की वीडियो है जहाँ पर G20 मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तरक्की कैसे कर गया इतना मुल्क? हमारा कश्मीर नहीं, ये इंडिया का कश्मीर है, वहाँ पे श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनाई है। ओ ना यार, मैं नहीं मानता इस चीज को, कैसे हो सकता है ये? यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर हम लेंगे, उनसे आजाद करवाएंगे, वहाँ पर तो इतना तरक्की की है, क्या वो छोड़कर हमारे पास आएंगे? हम खुद आजाद नहीं है तो कश्मीर को आजाद क्या करवाएंगे, हम खुद आजाद नहीं है। मैं तो कुछ शौक हो गया मुझे देख के इतना डेवलप कर लिया पाकिस्तान के, आजाद कश्मीर की बात करें वो तो इतना डेवलप ही नहीं है अभी। अभी आप ही चले जाएं वहाँ पे देख ले क्या डेवलप हुई है इधर। तो पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद में इनके साथ खड़ा रहेगा, याद रखिएगा, जब तक कश्मीरियों को इनका असली हक नहीं मिलता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग। कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, सात आसमानों पे है वो इस वक्त। हमें पता है कि हमारे कश्मीर को किस तरीके से चलाना है। आप लोग अपने देश की गरीबी को संभालो, आप लोग अपने देश को संभालो, आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को संभालो, आप लोग आटे चावल संभालो। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह कश्मीर का राग अलाप रहे पाकिस्तान को कश्मीरी बेटियों ने धो डाला, और साथ ही जिस तरह की डेवलपमेंट कश्मीर में हो रही है उसे देखकर खुद पाकिस्तानी भी हैरान रह गए। भारत आज बड़ी ही तेजी से कश्मीर में विकास कार्य कर रहा है और कश्मीरी लोग वहां होने वाले विकास से काफी खुश हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जो कश्मीर छोड़िए पिछले 75 सालों में अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो भारत में रहने वाले कश्मीरियों के हक की बात करता है, जबकि पाकिस्तान खुद एक एक डॉलर के लिए IMF के तलवे चाटता नजर आता है। दोस्तों, फिजा खान जैसे पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर नेशनल TV पर अपने देश के लोगों को गुमराह करने और भारत के प्रधानमंत्री को गाली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को ये तस्वीर कभी नहीं दिखाएगा कि किस तरह कश्मीर में $14 बिलियन की लागत से अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कश्मीर में इलेक्ट्रिक बस, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा किया तो वहां के लोग भारत से नफरत छोड़ देंगे और विकास की मांग करने लगेंगे और पाकिस्तान की कंगाल सरकार को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आप बोल रहे हो ना कि आप कश्मीरियों के लिए हम हैं, आपने क्या बोला, आपको तो खुद को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। मैं खुद को क्यों बचाऊंगी, आई एम प्राउड कश्मीरी इंडियन। यू नो व्हाट, जब मेरे पास वो सब नहीं था ना, जब आर्टिकल 370 से पहले जब हमारे पास हक नहीं था बोलने का, मैं जर्नलिज्म पिछले 8 साल से कर रही हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि कश्मीर की रियलिटी क्या है। 7 समुद्र पार आप मुझे नहीं बता सकते कि कश्मीर क्या है, कश्मीर क्या नहीं है। ठीक है, कश्मीर है भाई, वो हिंदुस्तान का कश्मीर है, 7 आसमानों पे है वो इस वक्त। हमें पता है कि हमारे कश्मीर को किस तरीके से चलाना है। आप लोग अपने देश की गरीबी को संभालो, आप लोग अपने देश को संभालो, आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को संभालो, आप लोग आटे चावल संभालो। आप और हम वो नहीं है ना, लाइक मैं कह सकती हूँ कि आप हमारे लाइक नहीं है, सो आप कभी कश्मीर आ नहीं सकते हैं, कश्मीर की रियलिटी देख नहीं सकते हैं, फालतू ही आपको छापना है तो आप छापते रहे, हम दोनों हाथों से सिर्फ आपके लिए तालियां बजा सकते हैं, नथिंग एल्स।
जो है वो वहां की सिक्योरिटी बड़ी सख्त की हुई है, वहां के लोगों की आवाज बाहर नहीं आ सकती, तो हम जैसे लोग अंदर कैसे जा सकते हैं? आपने यार तुम आप ऐसे बोल रहे हो कि वहां के लोगों की आवाज बाहर, तो मैंने वहां की नहीं कैसे मैं कश्मीरी नहीं हूँ। डू आई नीड टू प्रूव माईसेल्फ? मैं आपको पहले अपना आधार कार्ड दिखा दूं कि मैं कहां से हूं। जी ये कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है। नहीं तो ये जम्मू कश्मीर तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है फेक वीडियो है। अरे नहीं भाई फेक नहीं, ओरिजिनल वीडियो है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की वीडियो है जहाँ पर G20 मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तरक्की कैसे कर गया इतना मुल्क, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लग रहा तो भाई है आपने कश्मीर दिखाया, मुझे कटिंग तो नहीं करके आपने साल लगा दी उसकी। नहीं भाई कटिंग करके एक ही जगह की तो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, ठीक है डिफरेंट जगह की वीडियो दिखाई है, और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर है जहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा मजालिम कर रहा है, ये वही जगह। नहीं मुझे तो नहीं ऐसा लगता मजालिम वगैरह कर रहा है, G20 की जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे कश्मीर श्रीनगर में, अभी लास्ट टाइम भी आपको पता है मीटिंग हो रही है, अभी स्टार्ट हो गई मीटिंग उनकी, तो मैं तो कुछ शौक हो गया मुझे देख के इतना डेवलप कर लिया। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की बात करें वो तो इतना डेवलप ही नहीं है, अभी आप ही चले जाएँ वहाँ पर देख लें क्या डेवलप हुई है इधर उधर, वैसे भी जो बिजली वगैरह की हो गया जितनी भी बिल्स वगैरह वो तो रेट से बहुत ज़्यादा है, गैस का तो रेट देख ले, किसी चीज़ का भी रेट से ज़्यादा है। अब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, मैं तो रान हो गया देखे इतना डेवलप कर लिया, तो मुझे तो ये है कि इंडिया ने तो डेवलप किया और उनको हकदार वही है जम्मू कश्मीर का, हम क्यों कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा कश्मीर बनेगा? लेकिन हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो अपने घरों के अंदर डरे और सहमे रहते हैं। नहीं यहाँ इस जो वीडियो से लग रहा है ऐसा कि वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं, रात के टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और वो जिस तरह आपको पता है वो जिस तरह खाना पीना वो कर रहे हैं वहाँ पे, वो तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि वहाँ पे तशद्दुद होता है, जिस तरह हमें बताया गया स्टार्ट से जो हमारी मीडिया बताती है, मुझे तो ये लगता है जो हमारी मीडिया दिखा रही है वो झूठ दिखा रही है। क्योंकि हमें पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग जो कहते हो कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें नहीं चाहिए आप लोग, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके देश में आपकी कंट्री में हालात ठीक हो जाए, बदतर हो जाए, आपको आपकी एजुकेशन दी जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में। मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ ना, एक जर्नलिस्ट को देखने के बाद पता चलता है, जब मैं आपके वहां के पत्रकारों को देखती हूँ ना, सहाफियों को देखती हूँ, मुझे शर्म आती है, ये क्या बोल रहे हैं, इनको थोड़ी सी भी अक्ल है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब एजुकेशन की बहुत जरूरत है। मैं तो ऐसा कहूंगी कि अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं, यार प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जर्नलिज्म क्या होता है, एटलीस्ट थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। एक देखिए, मैं जब भी मैं पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल खोलती हूँ, कश्मीर में हुआ आज ये, कश्मीर में हुआ आज वो, कश्मीर में औरतों के साथ बुरा किया जा रहा है, कश्मीर में लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा, कश्मीर में इंडियन आर्मी घरों के बाहर खड़ी है। अरे भाई वो तुम लोगों के लिए खड़ी है, अगर तुम लोग बॉर्डर से आओगे, हम पे हमला करोगे, वो लोग तो तुम्हें ही मारेंगे ना, वो तो तुम लोग के लिए खड़े हैं, तो तुम क्यों कश्मीर की बात कर रहे हो,